अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ कलिंकर का शरबत, वाटरमेलन जो होता है उसके शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और साथ ही मैं, ये गर्मियों के सीज़न के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका इंटेक करने से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट भी रहेगी। और साथ ही में भी रमज़ान चल रहा है तो आप इसे इफ्तार वगैरह में भी ले सकते हो। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, मैंने अमूल का दूध लिया है, आप कोई और भी ले सकते हो। 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है और 5 टेबलस्पून मैंने शुगर ले लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम मिल्क हमारा ऐड कर देंगे। और ये कस्टर्ड पाउडर है तो इसमें हम 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं आने चाहिए। और ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, आपके पास कोई और हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं हो तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। कॉर्नफ्लावर को भी सेम इसी तरह मिल्क के साथ मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मिल्क को रख दिया है बॉयल करने के लिए। जब हमारे मिल्क में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तो हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, साइड से भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे इसे। और सेम टाइम पे हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे, ये 5 टेबलस्पून शुगर है, आप इससे ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे ले सकते हो। और एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरह से। अभी हम इसमें हमारा कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है, बस हमारा थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर इसमें अच्छे से पक जाए उस तरह से इसे मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसे बंद करके 2 से 3 घंटे के लिए हम ठंडा करने रख देंगे हमारे मिल्क को। और यहाँ पर फ्रीज़र में भी इसे रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने रूह अफ़ज़ा ले लिया है तो इसमें हम 4 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर मैंने कलिंगर जो वाटरमेलन होता है उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, तो इसे भी हम ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा कलिंगर का शरबत रेडी हो गया है। इस स्टेज पे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, कोई भी जो भी आपको पसंद हो, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये हमारा शरबत रेडी हो गया है, तो इसमें मैं कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही मैं, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।